انت فاهم يا ये कमीज तो कर रहे हैं सोच सोच मेरे बारे सोच फैमिली बैठी है थी ये आले ये ऑस्ट्रेलिया चुआ है वतन अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स क्या हाल है सी तबीयत ठीक है मेरे सारे ठीक ठाक हो सो खुश हो सो तकड़े हो सो अल्लाह बोला था को सलामत रखे मस्त रहो तेज रहो तो आज दा पैरा जा मिला के पे शुरू ब्लॉग शुरू करने तो पहले सारे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर छोड़ो जैसा आज का मज़ेदार ब्लॉग शुरू करने पे हैं आज कि कहने अज अस कहने चिलास होटल के उत्ते रॉयल सिटी के उत्ते होटल का सुबह सुबह का व्यू चेक करो तुसा ये होटल है बदल अज सागू बदल इवें मिले वन सारे पिछों बारिश ही बारिश हूँ सवेर की बारिश हूँ रुकी है तो व्यू चेक करो माशाल्लाह सुभान अल्लाह क्या माहौल है ओए होए 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 होटल की छत में खड़ा थी ते वीवर बारिश हूँ रुकी है कोई दह मिनट थे हूँ तक बारिश आई ते वीवर मजे की गाल है पी के बाबूसर टॉप से अस ते बाबूसर टॉप तकरीबन बर्फबारी हो सी इंशाल्लाह और तो बर्फबारी इंजॉय भी करवे सो वीवर तो तैयारी शारी कहने पे सूट बूट ला के ट्रैवल है सफर है सफर तो टोटल सारा है कोई 40-45 किलोमीटर का लेकिन है सारी चढ़ाई यानी कि टाइम लग सकते अढ़ाई 3 घंटे 40 किलोमीटर के लागे क्योंकि पहाड़ का सफर है सारा उत्ते चढ़ना है तो और तुम दसा उतो को माहौल किमें लगता है मज़ेदार है या कोई ना व्यू चेक करो बदल चेक करो भी वर उत्ते बदल चेक करो पहाड़ों के बीच चोटियों के बीच एक इतना एक उत्ते टॉप से भी बर्फबारी थी इतना हूँ बर्फबारी थी खड़ी हुई सामने तो वो जो बिल्कुल धुंधले धुंधले नजर आते पे ना तो जुलते हैं अंदर भी वर अंदर जरा कुछ गप शप ले बनो उतो कुछ कहने जरा काम कार कर बैठे रूम का हाल है सवेर सवेर नाल ते हाले धावना धूना है हाले मलिक सुता पाए नो एक मलिक अरबाब इस्त्री करना बड़े साकुड़ उतरा सूट इस्त्री कर देना सारे को इवें ना मलिक ये कमीज तो कर दे है सोच सोच मेरे बारे सोच उसामा उठी ए हाले सुता पाए सवड़ पाके तैयारी शारी कर गए तो हूँ वापसी बहते पाए सीढ़िया लाने पाए तले गड्डी के बीच बन के बहने हैं मैं तो अरबाब अगू बदे थे बह सारे पिछा बदन थे अरबाब ये आया खड़ा है तो बीए पिछा आ वन दवा लिखे ना थोको चला करके सारे आते पैन ओले ओले तले लाने पैन पहले पहले काशी वाल अरसलान ते उन्दे तो बाद मलिक यासर भले कुसामा लेट होंदे हर बारी उसामा हाले पिछा है अच्छा अच्छा होटल वाले को चाबी शाबी लेने गया बंदा गली च बैठे हैं तो वाल थोड़ी जी देर टुरन तो बाद साकु लभी है छोटी नहीं एक बेकरी तो वो बेकरी तो गया खड़े सामान गिनन लॉन शॉपिंग मॉल तो बारिश बिल्कुल फुल फुल आंधी खड़ी है मौसम में यख है साकू तो जितना तक उम्मीद है भी बाबू सर तो बर्फबारी हो सी ता जल्दी जल्दी निकते वे भी बर्फबारी का सीन मान के तुआकू भी दिखाऊँ तो असा भी देखूँ तो जिम्मे तो सीन दिखा तो चाहिए तो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर छोड़े सो तो असा जुलते पे अगर सफर तो दुआ करा अस खैर हो घर वालों सफर तो ऐसा पहाड़ का मुश्किल मुश्किल होंगे यानी कि ओके ओके रस्ते होना व्यूअर सारी अपनी किस्मत बाबूसर टॉप वाला रोड फिलहाल बंद है गड्डिया गुड़े खरों के खड़े असा भी खड़े थे अगू बर्फबारी थी पी खड़ी है स्लाइडिंग भी थी पी है अस इत हल्का फुल्का नाश्ता करने बैठे हैं चोर का मुंह सुबी वाले घर बन चादरा पाती वन तो बारिश हल्की हल्की हाले भी आंधी खड़ी है तो ये मले किनो गया खड़े या सर ये चादर पाते खड़े परेशान है यार साहब परेशान है इतना सफर किया लेकिन जितना वरना है उतना नहीं पहुंच सकता वीवर ए पाने इठे वे बाबूसर टॉप तो यहां पे बर्फ तो बर्फबारी थी नहीं खड़ी थे थोड़ी हल्की हल्की पिघल दी खड़ी थे पानी सारा स्पीडो स्पीड आ के दरिया सिंध ही वाला शामिल थी पी है वीवर रश काफी थी गया हूं ऐसा ऐसा मने देखना पुलिस वाले को भी सब वणा डो लेकिन मने दे नहीं पायो
हर बंदा मिन्नत करने का खड़े है, लेकिन मुश्किल है। सर्दी भी हौले हौले बढ़ती आती है, ज्यादा थी आती है। सारे दवाई मंगते हुए हूँ रस्ता खुले ते चार घंटे खड़े रहो, त्रै घंटे त्रै घंटे तो बाद बाबू सर तो सारा सफर शुरू थी गया माशाल्लाह। और लगता है जो सीन देखने वाले हो सर इवें ना इंशाल्लाह अल्लाह कमाल सही पहुंच के बाद तो मजीद हर शरीक के से सही और एंजॉय कर रहे से सुवर होने खिल दे रहे थे उठ तक था अजन न कहीं ना से बनान दे पिछला रास्ता बंद है ए भी बंद थी की आई गिलगित दवांगा से संग दे गिलगित तले बंद गिलगित तले बल्कि बंद है बस चौक जी फसे खड़े आ से ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੇਂਦੇ ਪਏ ਖੈਰ ਨਾਲ ਬਾਬੂ ਸਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਈ ਮਾਈ ਕੇ ਵੱਲ ਮਜ਼ੀਦ ਇੰਜੋਏ ਕਰਵੇ ਸੋ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਬਦੇ ਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲ ਚੈੱਕ ਕਰਵੇਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਂ ਦੀ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਬਦਲ ਹੀ ਫੋਲ ਸਪੀਡੋ ਸਪੀਡ ਆਏ ਖਣਨ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਸਨ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥਾ ਮਾਈ ਕੇ ਆਵਨ ਤੇ ਬਾਵੇਂ ਨਾ ਆਵਨ ਬਾਬੂ ਸਰ ਵਾਲੇ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੜ੍ਹਾਈ ਫੁੱਲ ਹੈ ਭਾਈ ਜਾ ਗੈਰ ਜੀ ਗੱਡੀ ਵਧੀ ਤੇ ਆਰਪੀਐਮ 3 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬਦਲਿੰ ਫੇਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਬਦਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਦਲਿੰ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵਧੇ ਆ ਤੇ ਰਿਵੋ ਦਾ ਧੂਆਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈ वाशरूम तो बर्फबारी में हल्की हल्की थी खड़ी है लगती बारिश हली कर लेकिन है बर्फ ये सारी बर्फ है सारे आवन तो पहले थी पई है तो चादर जो चई वजन तो चंगे राय खड़न अस तो मरते हैं तले बिल्कुल बदल इन पहाड़ों के उत्ते टॉप से आखने देखो बर्फबारी उत्ते थींदी खड़ी है इत्थां हल्की हल्की थींदी खड़ी है लगदी बारिश वाली गार थो को मैं दिखावा है वो डिठे में मेरी चोले उत्ते बर्फ आई पई है बर्फ तो दिखाने है पर शानी वेंदा पए इंदी कमीज उत्ते होना दिखाया छोटे छोटे में हल्की है हल्की हल्की असन वाले तले खणे त ओए ई साइड तो आ दी खड़ी है ते शानी देख अगु गया वदे ये ओले ते गाय खणे नु थारे पारो खणा थिया तो बर्फ भी खा संगा जो वरे उतो टॉप ते हुन थींदी खड़ी है मोटरसाइकिल वाले दी हिम्मत के वदे ता इन मेरे कैमरे ते को धुंध आ गई सारी व्यूअर चेक करो बर्फ चेक करो पहाड़ भरीज गए उतू तो उतू का दिखावा जा बर्फ आंदी खड़ी है ये टाइम तकरीबन चादर मादर टाकी पई है ਇਹ ਤੇ ਵੀ ਲੇਟਣ ਦੇ ਰਾਹ ਥਿਆ ਬੈਠੇ ਤੋਕ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੇਟ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਹਾਂ ਖੁੱਲੀ ਖੜੀ ਹੈ ਡਿਗੀ ਯਾਰ ਬਰਫ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਥੀ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਮਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਰ ਇਹਨੇ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨੇ ਪਏ ਤੋਕ ਬਰਫ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੂਟ ਛੋੜ ਦਿਆ ਪਏ ਸਮਾਨ ਕੱਢਦੇ ਪੈਣ ਯਾਰ ਪਿੱਛਾ ਪੈਣ ਦਾ ਸਾਚ ਹੋ ਜਾਦੀ ਬਰਫਬਾਰੀ ਤੇ ਨਿਪੜੇ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਇਹ ਬੂਟ ਨਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਰ ਇਤਨੀ ਬਰਫਬਾਰੀ ਜੋ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਏ ਹੋਏ 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 ਸਮਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਸਮਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਪਾਏ ਹੈ ਪੈਸੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਤੇ ਦੇਣ कैमरा
यार हम पे अपना हो रहा है यार मिका भाई एक कहानी बड़ा है ओए कहानी बड़ा है कसम से ना भाई लोग पंछी मार के देने मोबाइल पे रहा मोबाइल छोड़ दे जाना हम यार ओए बहुत मजा आंदा पे यार बहुत एंजॉय करना पे बहुत सर्दी है हाथ ना ये खड़ गानी में इनते पड़ा मैं यार पसंद है मार ये बात आओ बहुत चेक करो नागर नागर बात बनवा चाहिए पा रहे हैं खड़ा ਸਾਗੂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਰਦੀ ਤੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਬੈਠੇ ਆਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾਈ ਸਿਗਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆਂ ਤੁਸਾਂ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਵੇ ਤਾਂ ਆਓ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਬਰਫ ਤੁਸਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਬਰਫਬਾਰੀ ਤਾਂ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਰਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਦੀਦ ਪੌਣ ਪੈ ਗਈ ਹੁਣ ਚਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਪਾਈਸੀ ਜਿਹਾ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਮਿਰਚ ਚਿਪਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜੋ ਸ਼ਾਨੀ ਹਲਵਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਸਾਹ ਕੱਢਦਾ ਸਾਹ ਕੱਢੋ ਨਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਹਵਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਇਹੀ ਬੇਬੀ ਵੀਵਰ ਬਾਬੂ ਸਰ ਟਾਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 13,700 ਫੁੱਟ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਪਿਆ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਿਆ ਸਰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਫ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਤਨੀ ਪਾਈ ਖੜੀ ਹੈ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਕੁਰਸਾ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਈ ਵੀ ਵਾਰ ਸਾਈਕਲ ਖੜੇ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਟਾਵਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਥੀਂਦੀ ਖੜੀ ਹੈ ਦੇਖ ਲੈ ਪਵੇ ਨਾ ਔਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨਾ ਇੱਥਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਕਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੈਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਮੁਵਾਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਥਾਂ ਆਉਣ ਟੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਯਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਫੇਵਰੇਟ ਜਾ ਬਾਬੂ ਸਰ ਟਾਪ ਤਾਂ ਇੱਥਾਂ ਦੇਖੋ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਥੀਂਦੀ ਖੜੀ ਹੈ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਫੁੱਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਥਾਈ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਮਜ਼ੀਦ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਾਂ ਇਹਦਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਕਰਾਉਣਾ ਖੜਾ ਹੈ ਯਾਰ ਮਾਹੌਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਭਿੜ ਦੇ ਲੜਦੇ ਵਧਣ ਧਿੱਕਾ ਦੇ ਪਰਾਂ ਪਰਾਂ ਧਿੱਕਾ ਦੇ ਤਲੇ ਵਾਂਝ ਗਏ ਤਲੇ ਵੀ ਵਾਰ ਤਕਰੀਬਨ ਫੁੱਟ ਬਰਫ਼ ਜਮੀ ਪਈ ਹੈ ਤਲਵੇਂ ਪਾਸੋਂ ਨਾ ਇੱਥਾਂ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਬਰਫ਼ ਜਮੀ ਪਈ ਹੈ ਬਾਕੀ ਵੀ ਟਾਪ ਦੋ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਫੁੱਟ ਦੱਸਦਾ ਪੈਣਾ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਖਣੇ ਤਾਂ 6 ਇੰਚ ਤਲੇ ਫੁੱਟ ਨਰਲ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਚੱਲ ਵੀ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਗੈਰ ਮੁਬਾਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥਾਂ ਬਾਹਰ ਮੁਬਾਲਕ ਦੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਚੱਕ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਹੈ ਪੀ ਔਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ ਪੀ ਆ ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਤਲੇ ਸਰਦੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਜ ਗਿਆ 2-3 ਘੰਟੇ ਤੀਕ ਸਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਟੈਕ ਕੀਤੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਵਹਿੰਦੇ ਪਏ ਅਤੇ ਵੀ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਪਾਇਆ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਵਾਪਸੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਵਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹ ਉਸਾਮੇ ਹੋਣੇ ਵਧਣ ਥਾ ਸਰ ਤੋਂ ਤਲੇ ਆ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ 5-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੀ ਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਪਹਾੜ ਦਿਖਾਉਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਮੈਨੂੰ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਥੀ ਪਈ ਪੂਰਾ ਪਹਾੜ ਸਫੈਦ ਥੀ ਗਏ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ ਥਈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਪੈਣ
चंगा भला सफर करके तो हूँ आप पहुंचे बाटा कुंडी। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा खूबसूरत शहर है पिया। इतना पहाड़ा के तलों ते ए थोड़ा रेस्ट करें दे पे हैं। उत्ते बर्फ है पे जबरदस्त। नारायण पहुंच के बाद तो मजीद हाल हवाल थे मन के देसो। पहुंचे नारायण ते पिछू जने थके वदन बहुत ज्यादा। होटल का पता करन गया वदे उसामा पिछू एक तो पता की से तो जगह कौन आई एक तो पता करने ने का मजीद अल्लाह दा करे से मिल वे से। 3 घंटे रेस्ट करके ते वाला बाजार दा टूर लेने पे शाम दा टाइम में बाजार दे रौनक चेक करने हैं। नारायण दा माशाल्लाह बहुत अच्छा बाजार है। होटल चेक करो और दूसरा माहौल चेक करो। ए अगो वदन ता मलिक होनी मैं इन्हों पिछू दिया। माशाल्लाह व्यू चेक करो नारायण ने होटल बिल्डिंग पहाड़ बाजार का व्यू चेक करो। व्यूअर हूँ चेक करो बाजार का व्यू अब थोड़ा टॉप से आ गए हैं थले। यार इतों ड्राई फ्रूट गिरण आए खड़े हैं सारे हल्के हल्के गिंदे पैन असाइनो बदाम पिस्ता ते अखरोट वगैरह पवैन भी चेक कराने खड़े। हूँ अस आ गए इतना दूजी दुकान से इतना माशाल्लाह बहुत वीआईपी और प्यारे प्यारे चीज़ा लकड़ी ने बड़िया हुई पैन दियाँ और इन खिलौने वगैरह बच्चों के भी हैं। व्यूअर हूँ खाना खाते पे मून रेस्टोरेंट के उत्ते अंदर एंट्री कराने खैर नाल नजर आता पिया उसे बैग जबरदस्त पिया थे ऐसा उन ऑर्डर सामान ज्यादा पिया खाना मंगवाने वाल खाना खास इंशाल्लाह। सामने वाला जरा अरबाब दे बैक साइड दे बैठे थे ऑस्ट्रेलिया दा बंदा ही है और उन्होंने फैमिली बैठी है ये आले ये ऑस्ट्रेलिया चो आया वदन ते इन्होंने बैग के उत्ते बैठे थे जरा इन्होंने पिछू बैठे थे वो है इंडोनेशियन बिस्मिल्ला करके ऑर्डर जर लिता से खाना आ गया है खाने में तभी वह सत बिस्मिल्ला नहीं तो अस खाते पे हैं।